नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल इस केस में जस्ट डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस अबाउट स्लैक बाइट्स। मींस जब भी आप किसी वेरिएबल्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर ऑफ बाइट्स। अगर आप इवन नंबर ऑफ बाइट्स को फॉलो न करें, अगर सपोज दैट किसी पर्टिकुलर केस में अगर मेमोरी स्पेस ऑड नंबर ऑफ बाइट्स के फॉर्म में एलोकेट हो रहा है, देन इस केस में जस्ट एक अनयूज्ड बाइट क्रिएट होगा और इस अनयूज्ड बाइट को आप नेम दोगे एज अ स्लैक बाइट। अनयूज्ड बाइट मींस व्हिच इज नेवर एलोकेटेड फॉर एनी वेरिएबल्स। जस्ट इसको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करें देन आपके इजीली समझना पॉसिबल होगा। स्लैक बाइट मींस अनयूज्ड बाइट व्हिच इज नेवर एलोकेटेड फॉर एनी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल्स इस केस में जस्ट बात करनी सर, जस्ट मैंने आपको बोला कि मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म किस फॉर्मेट होगा, इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर ऑफ बाइट्स। मीन्स जस्ट प्रीवियस बिगिनिंग टू वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में चेक करेंगे इवन नंबर ऑफ बाइट्स। तो फर्स्ट केस में बात करें वेरिएबल ए का साइज क्या है 1 byte, वेरिएबल बी का साइज क्या है 2 bytes। इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है इस केस में जस्ट 3 क्या है इस केस में इवन और ऑड ऑड। लेकिन ये ऑड बाइट जनरेट किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से या बी की वजह से? बी अपने आप में क्या है, बी का साइज क्या है 2, तो बी अपने आप में क्या है ऑड बाइट्स, सॉरी इवन बाइट्स। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बात करें ए का साइज क्या है जस्ट 1 byte, तो जस्ट ये ऑड बाइट्स जनरेट किसकी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ए और बिकॉज ऑफ बी, बिकॉज ऑफ ए। इस केस में जस्ट इवन नंबर ऑफ बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे ए के रिस्पेक्ट में एक और अनयूज्ड बाइट क्रिएट हुआ, इस अनयूज्ड बाइट को आप नेम दोगे एज अ स्लैक बाइट। क्लियर? देन मीन्स इसके रिस्पेक्ट में जस्ट ये अनयूज्ड बाइट कैसा, मीन्स ना ही ये बाइट ए के लिए एलोकेट हुआ ना ही बी के लिए एलोकेट हुआ। प्लस अब इस केस में टोटल बाइट्स कितने एलोकेट हुए, 1 byte फॉर ए एंड प्लस 1 slack byte, टोटल बाइट्स कितने हुए 2 bytes, 2 plus 2 becomes 4। क्लियर? तो इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 4 bytes, चेक इट। लेकिन नेक्स्ट केस में बात करना सी के केस में भी अगेन इवन ऑड बाइट्स क्रिएट होगा, लेकिन इस केस में जस्ट वेरिएबल टू वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन चेक करोगे। इस जस्ट मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ देन आपके लिए अच्छे से समझना पॉसिबल होगा। अगेन क्रिएट किया स्टैक डायग्राम प्लस इस केस में एक्सप्लेन क्या किया गया, ए के रिस्पेक्ट में एड्रेस गिवन है 100। सपोज दैट अगर ए का एड्रेस 100 होता देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल्स 99 98 97 96 एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में जस्ट क्रिएट क्या हो रहा है वेरिएबल ए और ए के लिए जस्ट एड्रेस क्या एलोकेट हुआ है एड्रेस एज 100। क्लियर? इस आप अपने सिस्टम में जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे आपके सिस्टम में एड्रेस डिफरेंट आएगा लेकिन रिलेशन सेम रहेगा। आपको बस रिलेशन मैनेज करना ना कि एक्चुअल एड्रेसेस। अगर ए का एड्रेस 100 होता है तो उसके रिस्पेक्ट में चेक करो, अगर आपके सिस्टम में डिफरेंट एड्रेस आ रहा है तो उस एड्रेस के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। लेकिन डिफरेंस मैनेज करना इस केस में फर्स्ट वन, ए के लिए जस्ट बाइट कितने एलोकेट हुआ 1 byte। जस्ट मैंने आपको बोला था ए के रिस्पेक्ट में जनरेट किया रहा है ऑड बाइट, तो ए के साथ साथ ए के टॉप में जस्ट एक्स्ट्रा बाइट क्रिएट हुआ, इसे एक्स्ट्रा बाइट को आप नेम दोगे अनयूज्ड बाइट। मीन्स इस केस में 99 लोकेशन कैसा है, दिस लोकेशन बिकम्स अनयूज्ड। मीन्स ये लोकेशन ना ही ए के लिए एलोकेट होगा ना ही बी के लिए एलोकेट होगा। क्लियर? मीन्स हो सकता है आप इस डायग्राम को कंसीडर करो लाइक दैट। अगर मैं सेम एग्जांपल विदाउट स्लैक बाइट एक्सप्लेन करता हूँ देन चेक करते हैं इस एग्जाम्पल का आउटपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगेन एड्रेस 100 99 98 97 96। अगर आप इस प्रोग्राम को खुद से ट्राई करो तो इस केस में आप मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से प्रोवाइड करोगे लाइक दैट। सबसे पहले क्रिएट किया रहा वेरिएबल ए, नेक्स्ट केस में क्रिएट किया रहा वेरिएबल बी और बी के लिए साइज कितना एलोकेट हो, बी इंटीजर वेरिएबल इसलिए कितनी बाइट्स एलोकेट होंगे 2 bytes। देन वेरिएबल सी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए का एड्रेस क्या है 100, बी का एड्रेस क्या है इसमें 98 एंड सी का एड्रेस क्या है 97। मीन्स दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? मीन्स अगर आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करोगे तो स्टार्ट स्टार्ट करोगे, लेकिन ये आउटपुट कैसा कंप्लीटली रॉन्ग। जस्ट मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इस केस में। मीन्स इस केस में जस्ट फर्स्ट 2 cases में डिफरेंस कितने का है 2 का और नेक्स्ट 2 case में डिफरेंस कितने का है 1 का। तो आपको डिफरेंस कॉन्सल्टेट करना ना कि एक्चुअल एड्रेस। लेकिन अगर स्लैक बाइट के रिस्पेक्ट में आपकी एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म होगा दैट वन, दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। क्लियर? देन इस केस में जस्ट सबसे पहले क्रिएट किया हुआ वेरिएबल ए, ए के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 1 byte, तो ए को इवन बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बाइट ऐड हो जाएगा, इस एक्स्ट्रा बाइट को आप नेम दोगे एज अ स्लैक बाइट। प्लस 2 bytes किसके लिए एलोकेट होंगे बी के लिए, मीन्स 1 plus
one slack byte and two bytes for b, तो total क्या रहा इसके इसमें 4. next time b के लिए जब allocation होगा तो b के लिए slack byte को छोड़ के remaining next two bytes allocate होंगे. अब चेक कर सकते हो a और b के रिस्पेक्ट में टोटल कितने bytes allocate होंगे, 4 bytes. इसे वन मोर केसेस के इसमें स्पेशली आ रखना, जो 99 लोकेशन है ये अनयूज्ड है और अनरिजर्वड है, ना ही ए के लिए एलोकेट हुआ ना ही बी के लिए एलोकेट हुआ, मीन से ना ही ए का पार्ट होगा ना ही बी का पार्ट होगा. इस वाइट को जस्ट यूज करना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन कैरेक्टर सी, नेक्स्ट प्लेस में क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर सी, सी के जस्ट बाद अगेन कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए आपको स्लैक वाइट चेक करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग अगर आप आउटपुट चेक करो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ए का एड्रेस क्या है 100. और इधर एड्रेस ऑफ बी, बी के केस में एड्रेस क्या है 98 और 97. और इधर एड्रेस ऑफ सी, सी का एड्रेस क्या है 96. तो प्रीवियस डायग्राम के अकॉर्डिंग जस्ट ए और बी के एड्रेस में डिफरेंस कितने का था, ओनली 2 का डिफरेंस. लेकिन आप यहाँ चेक कर सकते हो एक्चुअल डिफरेंस कितने का, 2 का या 3 का, 3 का. और नेक्स्ट केस में डिफरेंस कितने का, एग्जैक्टली 1. इस फाइनल इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, जस्ट 100, 97 and 96. दिस द अनयूज्ड बाइट इज नथिंग बट स्लैक बाइट. क्लियर. स्पेशली आ रखना स्लैक बाइट का कैरेक्टर से अदर केस से कोई भी रिलेशन नहीं. स्लैक बाइट कब क्रिएट होगा, जब एलोकेशन ऑड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है. इस ऑड नंबर ऑफ एलोकेशंस को इवन में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज वन अनयूज्ड स्पेस रिमेन करता है या छोड़ता है. इस केस में इसे अनयूज्ड स्पेस को नेम दोगे एज अ स्लैक बाइट. इससे रिलेटेड मैं अदर एग्जांपल भी जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपकी और अच्छे से समझना पॉसिबल होगा.